एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने किन्नर को दिया टिकट तो भाजपा को लगी मिर्ची। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बनाया है। बॉबी किन्नर को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा की सुल्तानपुरी 43 ए वार्ड से टिकट दिया गया है। बॉबी ने बताया कि वो अन्ना आंदोलन और बाद में पार्टी बनने के समय से आप से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर को टिकट दिया है। वार्ड में सामाजिक काम के जरिए छाप छोड़ने वाली बॉबी किन्नर को सर्वे में सबसे ऊपर पाया गया और उन्हें नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। बॉबी साल 2017 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। उनका कहना है कि जन सेवा ही उनका मकसद है। बता दें कि 38 साल की बॉबी किन्नर हिंदू युवा समाज एकता आवाम आतंकवाद विरोधी समिति की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष हैं। पिछले 15 सालों से बॉबी इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। बॉबी ने 9वीं तक पढ़ाई की हुई है। बॉबी किन्नर का परिवार और खास तौर पर उनका छोटा भाई उम्मीदवारी से बेहद खुश है। बॉबी किन्नर शनिवार को अपने बहनोई के साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर नामांकन पत्र भरने में लीगल मदद के लिए पहुंची थी। बॉबी किन्नर ने आज तक से बातचीत में कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे समाज के लोग राजनीति में आगे आए। पहले की तरह अब हमारे समाज के लोग राजनीति से दूर हो रहे हैं। हमारी समाज में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। मैं चाहती हूं कि ऐसे तमाम लोग राजनीति में आए और समाज सेवा करें, ताकि समाज में हमारा भी नाम बढ़े। अपने इलाके की समस्याओं का जिक्र करते हुए बॉबी किन्नर ने कहा कि आम लोगों को छोटे छोटे काम और दस्तावेज बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करूँगी। अधिकारियों को रिश्वत नहीं लेने दूंगी और जनता के काम फ्री में करवाऊंगी। बॉबी ने आगे कहा कि वह प्रचार के दौरान दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाएगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।